Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shoshiadu. In this video, we are going to continue our October 25th article, article number 49. Our article is US medical device makers call for trade action against India. इस आर्टिकल में हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल कंपनीज से रिलेटेड. मेडिकल कंपनीज यानी यूएस मेडिकल कंपनीज जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जो है एक्शन लिया है क्योंकि इंडिया ने कुछ रूल्स तोड़े हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस आर्टिकल आई वांट टू टेल यू सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस आर्टिकल विच इज़ वेरी नेसेसरी. 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे होता है हमारे इंडिया में, तो उस टाइम पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक न्यू पॉलिसी और आप कह सकते हैं न्यू प्राइस अलाउड किया था. जो नी सर्जरी होती है यानी घुटनों की सर्जरी होती है तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है, करीब 1 लाख टू 1 लाख एंड 1.5 लाख 2 लाख्स और मोर देन 2 लाख्स. तो इसकी वजह से कई सारे लोग जो है वो नहीं करा पाते हैं. तो उन्होंने जो है जो भी नी कैप्स हुई, जो भी उसमें यूज होता है नी सर्जरी में, तो उन सभी के प्राइसेस में जो है वो प्राइसेस कम कर दिए थे, जिसकी वजह से नी सर्जरी में भी काफ़ी कमी आई. मतलब जो नी सर्जरी का खर्चा, जैसे कि बोल रही हूँ मैं 1 लाख मोर देन 2 लाख्स ये हो सकता था, अब उसमें काफ़ी कम हुई. यानी कि जो नी सर्जरी, 5 तरह की नी सर्जरी में कम खर्चा हो गया. 1 लाख की है तो उसमें करीब 69% जो है कम हो गया, अब वो केवल 59,000 की हो गई. जो 2 लाख्स की है वो अब ओनली 69,000 की हो गई. तो इस तरीके से प्राइस जो है वो कम किए गए थे नी सर्जरी के. बट इसी को देखते हुए जो यूएस कंपनी, हम पहला पॉइंट देखते हैं हमारा, अमेरिकन मेडिकल कंपनीज हैव रिटन टू द यूएस गवर्नमेंट आस्किंग दैट इट सस्पेंड और फुल्ली विथड्रॉ इंडियाज बेनिफिट अंडर द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. जैसा कि इंडिया में जो है नी सर्जरी के लिए 5 टाइप्स की जो नी सर्जरी है उसके लिए प्राइस काफ़ी कम कर दिए गए, तो इसी को देखते हुए जो अमेरिकन मेडिकल कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया के खिलाफ जो है वो कंप्लेन की है. कहाँ पर की है? यूएस गवर्नमेंट ने, कि उसने जो रूल्स हैं वो तोड़े हैं अंडर द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. देन व्हाट इज दिस जीएसपी? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. एक ये अपॉर्चुनिटी देती है ऐसी कंट्रीज जो डेवलप कर रही हैं या फिर जो पुअर हैं, मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज को चांस देती है कि वो अपना ट्रेड जो है बढ़ा सके. ट्रेड बढ़ाए क्यों? यूज फॉर अ ट्रेड, ताकि जो वो उनकी इकोनॉमी है वो बढ़ सके. इकोनॉमी बढ़ेगी देन दे कैन क्लाइम आउट और दे कैन जंप आउट फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब वो गरीबी से फिर बाहर निकल सकते हैं. तो इसमें कुछ बैरियर्स हैं जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो है बट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है. तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया ने कुछ रूल्स जो है वो नहीं माने हैं. Another second point is the company cited recently imposed price controls on stents and knee implants as examples of discrimination against US device companies. अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी stents and knee implants है यानी जो नी कैप्स वगैरह यूज़ हुई हैं उनमें प्राइस कंट्रोल जो है वो इंडिया ने एनपीपी के तहत किया है. यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है तो एनपीपी के तहत जो है, एनपीपी एक आपके ये एक संगठन है, मतलब ये जो है प्राइस कंट्रोल करता है. तो मेडिकल से रिलेटेड जैसे कि ड्रग्स वगैरह के प्राइस कंट्रोल करता है. तो इंडिया ने क्योंकि इसके तहत जो है प्राइस कंट्रोल किया तो उन्होंने ये इसको बताया है कि ये गलत है, ये इट्स अगेंस्ट यूएस डिवाइस कंपनीज, क्योंकि ये जो प्राइस कंट्रोल है वो वहाँ से ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि इतना होगा, और मतलब उसमें एक मार्जिन रहता है कि इतने प्राइस से ज़्यादा जो है आप इसको कम पे नहीं बेच सकते हैं. जैसे कि कोई आपने कोई भी चीज़ ली, सपोज आपने कोई चॉकलेट ली 10 रुपीस की है, अब आपने वहाँ से लेकर आए आप उसको मैक्सिमम जो है 15 रुपीज़ की बेच सकते हो, मतलब आपको प्रॉफिट इतना होगा और कम से कम इतना ऑलरेडी डिसाइडेड है. मिनिमम प्राइस इतना है, मैक्सिमम इतना है, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं ना, कि उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए. तो इंडिया ने काफ़ी कम प्राइस पे, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है उससे भी काफ़ी कम प्राइस पे जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट की हैं, इम्प्लांट की हैं. तो ये गलत है, ये इट्स अगेंस्ट यूएस डिवाइस कंपनीज जो कि ये डिवाइसेस बनाती है.
Now the third point is Advent claimed that NPPA's price cap of stents disproportionately harmed imported stents. Advent ये एक American organization है, तो इसने जो है claim किया है कि जो NPPA है, जैसे कि मैंने बताया कि जो India में जो भी knees implants से related जो भी devices हैं, वो इसके price ये control करती है, हर जगह पे होते हैं ये, इसका I don't know the correct, but it's a full form. I think is a National Pharmaceutical Price Control. I think such that. तो उसमें ये बताया है कि उसने जो है rules तोड़े हैं. Now this was our article. Let me tell you कि क्या-क्या अलग-अलग जो है statements हैं. अगर हम US companies की बात करें, तो US company का मानना है कि India ने जो है ये rules तोड़े हैं, जो कि against है US डिवाइस कंपनीज के, मतलब जो उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड किया है, ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्रीज को इतनी छूट है, फिर भी जो है इंडिया ने ये रूल तोड़ा है. नाउ इंडिया के लोगों का क्या कहना है, मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या कहना है, अगर हम उसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि यूएस कंपनीज जो हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए काफी ज्यादा महंगे जो डिवाइसेस हैं वो इंप्लांट कर रही हैं, बट एक्चुअली मैं इतने महंगे वो नहीं है, इतने कॉस्टली नहीं है जितने पे वो बेच रही हैं. अब इंडिया ने जो एक्शन लिया है इससे रिलेटेड, क्योंकि ताकि वो जो अपनी पॉपुलेशन है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उसको अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारी चीजें अवेलेबल करा सके, ताकि नी सर्जरी जो है वो और ज्यादा आसानी हो जाए. तो इंडिया ने जो एक्शन लिया है उसी को सोचते हुए बाकी सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि हम बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सारी भी इससे रिलेटेड जो है सोच रही हैं ऐसा एक्शन लेने को. तो यूएस कंपनीज को ये डर है कि अगर ये कंट्रीज भी ऐसा सोचती हैं, क्योंकि ये सारी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज जो कि डेवलप हो रही हैं, दे आर नॉट ऑलरेडी डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग. तो ये सारी कंट्रीज जो है अगर ऐसा करेंगी तो यूएस कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा लॉस होगा. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, क्या उन्होंने कहा है, किस बेसिस पे वो क्लेम कर रहे हैं, और इंडिया किस बेस पे जो है क्लेम कर रहा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ सो देन प्लीज टेल मी थ्रू कॉमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू कॉमेंट्स, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज subscribe my channel for more videos. Thanks for watching my video.